दोस्तों स्वागत है आप सभी का पूरी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू टेंपल में कंबोडिया में। जी हाँ, इस टेंपल का एरिया है 400 एकड़ से भी ज्यादा, यानी कि 160 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। लोगों को ये टेंपल एक्सप्लोर करने में कई कई दिन या हफ्तों लग जाते हैं और आज के दिन अपन इस टेंपल को देखने वाले हैं। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1122 में और 1150 में पूरा बन गया था, कंस्ट्रक्ट हो गया था, यानी कि 28 साल लगे थे इसे बनने में। और आज 2024 में अपन देखे तो 900 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया मंदिर। दोस्तों एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है अंकोर वाट कंबोडिया से। कल आपने वीडियो देखी और शाम को जब मैं हॉस्टल आ गया था वापस तो हॉस्टल की एक आउटिंग थी, उसमें हम सब बाहर गए थे। आप अभी स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो रात के थोड़े माहौल की जो भी चल रही होगी। एक पब क्रॉल सा था जिसमें हॉस्टल वाले 5 पब्स में लेके जाने वाले थे। मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे पब में बार में जो हम गए उसके बाद मैं काफ़ी थक गया था और मैं फिर एक ऑटो ढूंढ के वापस लौट के आ गया अपने हॉस्टल। और इधर ना रूल है कि भाई सिटी के अंदर कहीं भी जाना तो एक ही डॉलर लगता है, तो काफी सस्ता है हिसाब से। एक डॉलर में मेरा ऑटो भी आ गया, मैं पहुंच गया। अरे ये आ गया। हाउ आर यू? हाउ आर यू ब्रो? आई एम गुड। यू आर यू रेडी? आई एम ग्रेट एज़ वेल। या। तो भाई अपन अभी तक सीएम रीप तो आ गए थे, फिर अंकोर वाट आ गए थे, लेकिन हमने टेम्पल नहीं देखा था जिस चीज के लिए जगह इतनी ज्यादा पॉपुलर है। तो आज अपन जाके देखने वाले अंकोर वाट का मेन टेम्पल। खूब सारे टेम्पल है यहाँ पे, पगोड़ा या फिर टेम्पल कुछ भी कह लो, बुद्धिस्ट टेम्पल्स को पगोड़ा कहते हैं। चल के मेन वाला देखें, कोई एक आधा और दिख जाएगा तो वो भी देख लेंगे। ये जो टुक टुक वाला आपको याद होगा, पहले दिन जब मैं इधर पहुंचा था अंकोर वाट में, तो जो मेरे को बस स्टैंड से हॉस्टल लेके आया था वही टुक टुक वाला है, उसने अपना नंबर मेरे को दे दिया था और बोल रहा था आपको टेंपल जाना हो तो मेरे को बता देना। तो ये मेरे को लेने आ गए, इससे मैंने बात कर ली थी भाई कितने पैसे लेगा। बोला $15 में घुमा दूंगा, मतलब ले जाना वापस लाना और आसपास थोड़े बहुत टेंपल भी सस्ता है वैसे। आर यू कमिंग? लेट्स गो। ये भाई, व्हाट? आई फॉरगॉट योर नेम ब्रो। राल्फ ब्रो। व्हाट? राल्फ। राल्फ, राल्फ आयरलैंड से है और इंडिया रहा है काफी टाइम, तो मेरी इससे दोस्ती हो गई थी, तो ये भी मेरे साथ चल रहा है। लेट्स गो ब्रो। एंड डू यू हैव द टिकट ऑन यू और नॉट येट? नो, आई हैव टू बाय इट। ही हैज द टिकट, आई डोंट हैव इट। ओके, सो वी गो टू बाय द टिकट ऑन द वे। ओके, इट्स ऑन द वे? या, ऑन द वे। ओके। जो टेंपल है ना उसकी टिकट लगती है $37 एक दिन की। जी हाँ, कंबोडिया की ऑफिशियल करेंसी आप जानते हो डॉलर है और साथ में कंबोडियन रियल है, तो $37 की अपने को टिकट लेनी पड़ेगी। मेरे पास नहीं है, रैल्फ के पास ऑलरेडी है, तो रास्ते में से मिल जाएगी। Is that the place to buy the ticket? Yeah. They don't have like ticket counters at the temple itself? No. No? Okay. चलो इधर से चल के अपन लेते हैं टिकट। How much did you pay for your ticket? 70. And how many visits are you 7 days getting in that? Okay. As many visits as I want for 7 days. As many visits as you want in 7 days. You got a 7 day pass. Yeah. Wow, so you can see everything. And you know what's really good about the 7 day pass? Yeah. Is let's say one day you don't go, that yeah. doesn't count. ओके। तो भाई एक आता है 7 डे पास इनका, वो 7 डे पास $70 का जो रेल्फ ने ले रखा है, उसमें ना आप 7 विजिट कर सकते हो एक महीने के अंदर अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है, लोग लगाते हैं कई दिन टेम्पल्स देखने, मतलब एक एक हफ्ता एक्चुअली जाके देखते हैं टेम्पल्स। अब अपने को इतनी आदत हो चुकी है टेम्पल्स देखने की, मंदिर देखने की, पकौड़ा जपन ने म्यांमार में भी देख लिया, तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था जितने ये गोरे लोग, क्योंकि इन्होंने इतने मंदिर वगैरह देखे नहीं होते, तो ये कई कई दिन आके सिर्फ ये मंदिर ही एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं अपना तो एक दिन का पास ले लेंगे। थैंक यू। ये ले ली भाई अपन ने टिकट एक दिन की। और ये देखो, ये मेन मेन टेंपल है इनके। वैसे तो कई टेंपल्स हैं यहाँ पे, मान लो 100 के करीब होंगे, पर मेन ये 8-10 ही है जो ज़्यादा टूरिस्ट घूमते हैं। मैंने एक दिन का पास लिया जो कि $37 का था, और शाम को ना 5:30 बजे के बाद अंदर मतलब नहीं घूम सकते टेंपल्स के, बार बार जा सकते हैं। और 3 दिन का पास भी था, वो था $62 का, अपने इंडिया के देख लो 4,500 रुपये होंगे शायद। और जो 7 दिन का पास था वो $72 का था, जो अपने 6,000 रुपये हो गए इंडिया के लगभग शायद। तो मैंने तो एक ही दिन का ले लिया, लेकिन 5:30 बजे से पहले अपने को बाहर निकलना पड़ेगा मंदिर से। भाई बहुत तेज बारिश स्टार्ट होगी जब हम जाने लग रहे थे, रास्ते में ही बारिश का मौसम चल ही रहा है, पर ये हमारा ऑटो ड्राइवर बढ़िया है, अभी साथ के वो लगा देगा पर्दे ताकि हम भीगे ना। देखो यार, बारिश ने परेशान कर दिया अपने को तो इस ट्रिप पे। आगे भैया भवन टेंपल, यहाँ पे सर टिकट स्कैन करेंगे हमारी। बारिश हो रही है, जंगल देखो आप, अभी दोबारा यूज नहीं हो सकती। टिकट कहीं और से लेनी और मंदिर कहीं और है, एंट्रेंस मंदिर होगी यहाँ से है, तो उधर से पहले टिकट लेके आए, यहाँ पे इन्होंने स्कैन करी और अब चलते हैं। देखो जंगल है, सारे रास्ते बंद कर रखे हैं कुछ।
एकदम हरियाली। मेरे ख्याल उधर दिख रहा है एक मंदिर, तो इज दैट द टेंपल ऑन द राइट? Bro, there is like so many temples here. So right now we are in front of the Angkor Wat. Okay. Yes. That's the main one. That's the main one, yes. Let's go to the main one first. What's that? Show. We have to show it again. Yeah. Okay. Hello, bhai. Yo, barish to rukne ka naam hi nahi le rahi. Utar gaya apan mandir ki taraf. Thank you. भाई अभी बारिश तेज हो गई थी तो एक इंसान आया दो छाते लेके बड़े बड़े, बोला मैं आपको मैं छाता पकड़ के चलूँ आपका और मैं यहाँ पे गाइड भी हूँ। हम बोले हैं, बोला हाँ तुम चलना, मैं तुम्हारा छाता पकड़ के, उसके पास बड़ा छाता था पीछे खड़ा, बोला मैं छाता लेके चलूँगा और पैसे लूँगा $15 और तुम्हें मैं घुमाऊँगा सारा बताऊँगा। बोला कि फिर 12 पे आ गया, फिर $10 पे आ गया, मतलब कमाल है यार। अदसी होगी, मतलब दे तो देते टूर गाइड वैसे ले लेते, पर मेरे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि कोई इंसान ऐसे छाता पकड़ के चले मेरा, तो अजीब सी यू फीलिंग सी थी। मैं बोला ना यार कोई नहीं, भीग ही लेंगे इससे बढ़िया तो रहने दो। Good job man, $12 just to walk today. It's the largest Hindu temple in the world. Yeah, that's correct. I think it's like 402 acres or 162 square kilometers, something like that. Yeah, it's the largest. And it was previously a Hindu temple and then converted into a Buddhist temple, right? Much later on, right? Like much later on. Yeah. That's why it's in so good condition, because it was always used. Yeah, yeah. Whereas well, like Angkor, Bayan temple was just abandoned. This place was restored. Uh-huh. And how does your voice feel? My throat's gone because of the karaoke last night. कल हम रात को हॉस्टल से गए थे ना बाहर, तो एक जगह करियोके नाइट थी, मतलब उसमें गाने गाने थे सबको, तो मैंने भी गाना गा दिया वो। Did you sing a song last night? Yeah. What song? Irish song, man. Irish? Yeah. Okay. तो वहाँ पे चीख चीख के गला बैठ गया, ओ भाई भीग गया, तो कुछ नहीं हो सकता, भीग ही गए। I'm not Shahrukh Khan. भीग लिए भाई, भीग लिए, देख लो कंबोडिया का मंदिर देख लो, घुमा दिया। रात को बस है मेरी, कपड़े जूते सब भीग गया। ऐ मेरे यार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे बड़े हिंदू टेंपल अंकोर वाट, जिसका एरिया 400 एकड़ से भी ज्यादा, यानी कि 162 स्क्वायर किलोमीटर कंबोडिया में। बारिश में एक परेशानी और हो रही है, क्योंकि बूंदे पट रही है स्क्रीन पे, तो कैमरा चलते चलते अपने आप बंद हो जा रहा है, अपने आप फ्लिप हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा मैं। ओके ओके, इट्स ओके, या परफेक्ट, थैंक यू सो मच, दिस इज वॉश फ्रॉम दैट क्लीनिंग, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, दिस इज ओके, या इट्स वर्किंग, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे भाई। क्योंकि मेरे कपड़े गीले हैं ना, तो मैं लेंस साफ कर रहा हूँ तो वो दोबारा उस पर पानी लग रहा है, मतलब कैमरा साफ होने ही लग रहा था। तो एक लड़की छाता लेके जा रही थी, शॉल ऑर्डर करा, बड़ी अच्छी थी, मैं बोला प्लीज मेरा कैमरे का लेंस साफ कर दो, तो उसने अपने शॉल से कर दिया, उसका सूखा शॉल था। तो ये देखो अभी नज़ारे, अब हम चढ़ गए इसके ऊपर मंदिर के स्टेप्स पे, बहुत बड़ा मंदिर है, उधर से अपने शुरू करा था, और मतलब चलते ही जाओ चलते ही जाओ, मतलब एक दिन में तो एक्सप्लोर होता ही नहीं। सिर्फ इसी मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए लोग सुबह आते हैं, सनराइज के टाइम सुबह आ जाएंगे 7 बजे और शाम तक पूरा ये मंदिर घूमते हैं, मतलब पूरा दिन सिर्फ इस मंदिर में लगाते हैं, फिर अगले दिन दोबारा आते हैं, फिर किसी और मंदिर में जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे करके मतलब चार चार पाँच पाँच दिन तक लोग ये मंदिर ही घूमते हैं, क्योंकि इतने सारे मंदिर है और इतने बड़े बड़े हैं। तो मैं बैठ के इधर छाया में ताकि अपने को भीगना ना पड़े और थोड़ी सी वीडियो बन जाए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई हिंदुइज्म यहाँ कहाँ से आया, फिर बुद्धिज्म भी कैसे आया कंबोडिया में, और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल इधर कंबोडिया में कैसे, अपने इंडिया में क्यों नहीं है? तो मैं आपको समझाता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया का जो आप ये रीजन देखो, ये जो कंट्रीज है इधर कंबोडिया और इसके आसपास की, तो इधर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म आया था इंडिया और चाइना से, क्योंकि जो मैरीटाइम ट्रेड होता था, फिर समुद्र के थ्रू जो ट्रेड होता था इंडिया और चाइना के साथ, उसकी वजह से यहाँ पे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म आने लगा कंबोडिया में। और आमतौर पे जो रूलिंग क्लास थे ना, फिर जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो फैमिलीज होती थी, वो आमतौर पे हिंदुइज्म फॉलो करते थे, और जो आम इंसान थे कॉमन पीपल थे वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल तो है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर भी है। जी हाँ, अगर हर धर्म के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को भी अपन काउंट करें, हर मस्जिद को, चर्च को,
हर सिनागोग को, तो भी सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर यही है दुनिया में, 402 एकड़ या फिर 162 स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया, और हर साल इसे 20 लाख लोग विजिट करते हैं। अब हालांकि सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल कुछ भी कह लो, उसके ऊपर अपन थोड़ी देर में आएंगे कि भी हिंदू है बुद्धिस्ट टेम्पल है क्या है, मतलब मेरे को कोई हिंदू इंडियन तो अभी तक दिखा नहीं टेम्पल में। एक रीजन ये भी है कि बारिश होने लग रही है, दूसरा रीजन ये है कि इधर इतने सारे मंदिर है और यही मंदिर इतना बड़ा है कि भी एकदम आप किसी को देख ही नहीं सकते। मोस्टली जो मेरे को टूरिस्ट दिख रहे हैं लेकिन एशियन ही दिख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन आसपास वाली कंट्रीज है। और यही मंदिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या ये मेन मंदिर क्यों है, क्योंकि ये जो अंगकोर वाट का मेन टेम्पल है ना, ये एक्चुअली सेंटर होता था अंगकोरियन एम्पायर का या फिर खमाई एम्पायर का। मैं आपको पहले बता चुका कि भी खमाई एम्पायर जो था वो कंबोडिया के इस रीजन में था, और कंबोडिया को इंटरचेंजेबली खमाई वर्ड से भी रेफर कर देते हैं लोग, एथनिकली खमाई है, इनका खाना पीना सब खमाई है, मतलब खमाई एक एथनिसिटी है लोगों की, तो कंबोडिया के लोगों को खमाई भी बोल देते हैं। और खमाई एम्पायर का सेंटर था ये मंदिर अंगकोर वाट का, ये वाला मेन टेम्पल, और अंगकोर वाट का मतलब यही होता है द सिटी ऑफ टेम्पल, जिसके नाम से इस सिटी का नाम पड़ रखा है। प्रोविंस का नाम सीएम रीप आप लोग जानते हो। और इस मंदिर में ना 5 लोटस की शेप की, जो लोटस फ्लावर होता है उसकी शेप की श्राइन है, और जो सबसे लंबी श्राइन है ना वो 65 मीटर ऊंची है। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1122 में और 1150 में पूरा बन गया था, कंस्ट्रक्ट हो गया था, यानी कि 28 साल लगे थे इसे बनने में, और आज 2024 में अपन देखे तो 900 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया मंदिर। अब ये मंदिर बनवाया किसने था, तो वो बनवाया था खमाई एम्पायर के एक राजा थे जिनका नाम था सूर्यवर्मन टू, और वो विष्णु के भगत थे बहुत बड़े, तो उन्होंने बनवाया था, और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क्स ऑफ द खमाई एम्पायर। और अपनी डिप्लोमेसी के लिए वो काफी जाने जाते थे, इंस्टेड की भी वॉर के लिए या मारकाट के लिए जाने जाते हो, पर उन्होंने अपने अंकल धरण इंद्र वर्मन वन को जरूर मारा था थ्रोन लेने के लिए या फिर राजा बनने के लिए। और क्योंकि वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भगत थे तो विष्णु भगवान को ही डेडिकेट करके उन्होंने मंदिर बनवाया था। मंदिर की जो एंट्रेंस भी है वो सिर्फ वेस्ट की डायरेक्शन से, यानी कि पश्चिम की डायरेक्शन से, जो कि एसोसिएट की जाती है विष्णु भगवान के साथ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्यवर्मन टू विष्णु भगवान के डिवोटी थे, और ये जो मंदिर था वो विष्णु भगवान के लिए मंदिर बनवाया गया था, विष्णु भगवान का मंदिर था, पर बाद में इसे 12th सेंचुरी की एंड तक कन्वर्ट कर दिया गया था एक बुद्धिस्ट टेंपल में। जी हाँ, पहले ओरिजिनली एक विष्णु भगवान का मंदिर था यानी कि हिंदू टेंपल, बाद में इसे एक बुद्धिस्ट टेंपल बना दिया, और इस मंदिर में जो हिंदू स्कल्पचर्स थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया बुद्धिस्ट आर्ट से, या फिर रिप्लेस कर दिया गया बुद्धिस्ट आर्ट से, पूरे मंदिर नहीं पर काफी जगह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी ऐसा क्या हुआ कि इस हिंदू टेंपल को एक बुद्धिस्ट टेंपल बना दिया गया, अच्छा भला हिंदू टेंपल था दुनिया का सबसे बड़ा आज के दिन भी, लेकिन इसे बुद्धिस्ट टेंपल क्यों बनाया गया था? तो इसके पीछे कारण था जो इनके राजा थे खमाई एम्पायर के जयवर्मन 7, जिन्होंने 1181 से 1220 तक राज करा था शायद, उन्होंने लेट 12th सेंचुरी में इसे कन्वर्ट करा था बुद्धिस्ट टेंपल में। कारण क्या था कि 1177 में जो चाम पीपल थे, जो मॉडर्न डे वियतनाम कह सकते हो आप, उधर के जो लोग थे ना, वो आके अंगकोर वाट को इन्वेड कर गए थे और लूट गए थे 1177 में। तो जयवर्मन 7 का मानना था कि हिंदू भगवानों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें बचाया नहीं, प्रोटेक्ट नहीं करा चाम लोगों के अगेंस्ट, और इसलिए मैं मंदिर डिवोट करता हूँ बुद्धिज्म को। तो उन्होंने सारे हिंदू स्कल्पचर्स बुद्धिस्ट आर्ट से रिप्लेस करवा दिए गए थे और अंगकोर वाट को एक बुद्धिस्ट टेम्पल बना दिया था। रैल्फ जो है ना मेरा दोस्त पीछे से आ गया, तो रैल्फ जाएगा, यू आर गोइंग टू द जंगल राइट? व्हेन? टुमारो। सो टुमारो इज हेडिंग टू द जंगल, and how far is it from Angkor Wat, the jungle? Nine hours away, and then he's going to be staying in the jungle. The problem with Cambodia is that there are still so many landmines, active landmines in the country, as I mentioned before yesterday, and there are like 30 to 40 lakhs of landmines which are still active in the country, and UNESCO has rated Cambodia to be the country with the third highest landmines in the world. Well, what's the top two? I think Egypt is like number one. Shit, really? And every year, like up to 300 to 700 people, something like that, they get new amputations because of the explosions from the landmines. So you have to be really careful when you're in the jungles. I'm worried for you, man. I'm not sure if you're going to make fine, it. I'll be fine. Because jagah jagah landmines hai, so bigger cities, more developed cities or towns, they are fine because the government has taken the landmines off. But when you go to like more secluded areas or rural areas, there are still active landmines. Do you know how they do it? How do they do it? There's rats. There's these African rats. Rats? Yeah, and they sniff out the landmines. Really? Yeah, for real? Yeah. Since 2016, Apopo's hero rats have found roughly 500 anti-personnel mines and more than 350 unexploded bombs in Cambodia. They are the second animal to be deployed in mine clearance. Dogs were first. You can actually you see them at the museum. You went to the museum, yeah, right? Yeah. Tell us, how was it? I mean, tell us your experience. The Landmine Museum. Yeah. It's cool, man. And you met this guy whose job was to
No, the owner of the museum. Okay. He used to plant the landmines. Like, he was taken. Did he? Yeah, yeah. So he was taken as a child to serve in the Khmer Rouge. That's what the Khmer Rouge did, yeah. Right? I want to make it simpler for the audience. So, Cambodia ka na, his jo past hai, has been very brutal. पहले यहाँ पे फ्रेंच प्रोटेक्टरेट थी, फ्रेंच से इन्हें आज़ादी मिली, फिर उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर हो गया, फिर उसके बाद जो इनका खमाई रूज था, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि कम्युनिज्म फैलाना चाह रही थी देश में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, वो सभी जो भी टेंपल्स थे उन्हें तोड़ रही थी, मॉन्क्स थे जो भी एजुकेटेड लोग थे उन्हें मार रही थी, एंड व्हाट एल्स लाइक वाज द खमाई रूज डूइंग? सो दे वर पिकिंग अप रैंडम पीपल फ्रॉम द विलेजेस एंड दे वर आस्किंग देम टू फाइट फॉर देम. They've been doing genocide, man. The Khmer Rouge are bad. Yeah, they killed like one-fifth of the population of the country. Anyone who was intellectual. They killed people with glasses, man. One-fifth of the population, of the total population of the country was killed by the Khmer Rouge. Because they were opposing all kinds of religious thoughts and ideologies in the country. Yeah, yeah. And everybody who was intellectual or educated, he was being killed. Or had glasses. So they would just randomly go to villages. If they were suspected to be an intellectual, they would kill them. तो गांवों में जाते थे, जो भी जवान लड़के मिलते थे उन्हें अपने साथ ले जाते थे, जो बड़ी उम्र के लोग थे उन्हें मार देते थे, जो उन्हें लगता था हमारे लिए लड़ नहीं सकते या फिर यूं लगता था पढ़ा लिखा है या फिर ये धर्म में मानते उसे भी मार देते थे, और जो जवान लगते थे हमारे लिए लड़ सकते उन्हें साथ ले जाते थे, और वो लोग फिर उनके लिए लैंड माइंस प्लांट करते थे, लड़ते भी थे, वियतनामीज के साथ भी इनकी लड़ाई हुई, बहुत सारी चीजें थी, इसका बहुत ब्रूटल पास्ट रहा है कंबोडिया का, इसी वजह से इतनी सारी लैंड माइंस है. तो राल्फ वेंट टू द लैंड माइन म्यूजियम और उसका जो ओनर था, ही यूज्ड टू प्लांट द लैंड माइंस. Okay. And then he basically, during the Vietnamese occupation, he started digging up the landmines. So he spent the last like 40 years just digging up landmines, deactivating them. Oh my God. An interesting man. And they use African rats to sniff the landmines. They do. Before he was just with players. Now they have like these The rats are actually cool because they're massive, man. These big African rats. ये भाई बेचारा गोरा गाली बहुत दे रहा है मंदिर में आगे, मेरे को गुस्सा आने लग रहा है, क्यों बार बार गाली दे रहा है, गाली देके बात करते है. तो भाई मतलब चूहों का इस्तेमाल करते हैं, वो चूहे सूंघते हैं किधर लैंडमाइन है, फिर लैंडमाइन डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अब भी जगह जगह लैंडमाइन है, कहीं भी किसी का गलत कदम पड़ गया लैंडमाइन फट जाएगी और जान चली जाएगी. इसी वजह से यहाँ पे आप बहुत लोग देखोगे अपंग है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे. आपने अभी पीछे देखा, फाइनली अपने को कुछ इंडियंस दिखे जो कि मंदिर घूमने आए हुए हैं. ये देखो भाई, ये जो श्राइन है ना, लोटस फूल की शेप की श्राइन है सारी, आप देख सकते हो. राल्फ, यू लिव्ड इन दिल्ली राइट? कैन यू से समथिंग इन हिंदी? व्हाट डू यू नो इन हिंदी? नो ब्रो, नॉट दैट, स्पेशली नॉट इन अ टेम्पल. ओके, अच्छा है. एंड व्हाट पार्ट ऑफ दिल्ली वर यू लिविंग इन? लक्ष्मीनगर. एंड देन यू वर फास्टिंग विद द मुस्लिम्स एज वेल राइट? कूल मैन. Every going to Yama Masjid, yeah. It was a vibe, man. And how long did you stay in India for? Year and a half. Yeah. I'm going back there in October. Wow, you're almost as Indian as I am, or probably even more. I like the head nod. तो भाई मतलब पूरा इंडियन है भाई, मुंबई भी गया, कई जगह घूमा, इसलिए ये हॉस्टल में मेरे पास है. बोला कहाँ से? मैं बोला इंडिया से. बोला इंडिया में कहाँ से? फिर ये लग गया हिंदी में एक दो बातें बोलने लग गया. बोला मैं जामा मस्जिद रहता था, वहाँ पे मुसलमानों के साथ मैं फास्ट करता था और शाम को फिर फास्ट तोड़ता था, वो सारी चीजें रमादान के टाइम बताने लग रहा कि मैं वहां रहा. दोस्तों, ये हिंदू टेंपल से एक बुद्धिस्ट टेंपल तो बना दिया गया था, और ये अंकोरियन एम्पायर का सेंटर था जैसे आप लोग जानते हो, या फिर खमाई एम्पायर का, पर अंकोर वाट का फॉल भी हुआ था. जी हाँ, सब्सिक्वेंटली 15th सेंचुरी में अंकोर वाट को अबैंडन कर दिया गया था इस शहर से, सभी लोग चले गए थे. कहाँ गए थे? मोस्टली पोर्ट सिटीज पे, समुद्र के आसपास, क्योंकि वहाँ पे काम करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, लोग पोर्ट था तो ट्रेड कर सकते थे, फिशिंग कर सकते थे, और ऊपर से लोग कन्वर्ट भी नहीं करना चाहते थे रिलीजन, इसलिए इसको छोड़ के लोग चले गए थे. अब आप लोग देख ही सकते हो, एक पॉपुलर टूरिस्ट सिटी बन चुकी है अंकोर वाट, और फिलहाल यहाँ की लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2.5 लाख के करीब होगी. लेकिन जब खमाई एम्पायर यहाँ पे होता था ना, उस टाइम यहाँ पे 7 से 9 लाख लोग रहते थे. एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पगोडाज या टेम्पल्स है इधर अंकोर वाट के, कितने बोटैनिकली डोमिनेंट है. ये देखो, उधर भी पेड़ वगैरह, कितनी हरियाली, इधर घास, चारों तरफ पेड़. अपन जब एंटर भी कर रहे थे मंदिर के, तो बाहर वाली साइड जो जंगल वगैरह थे, सारी जगह पेड़ ही पेड़ हरियाली. वो देखो उधर भी. ये देखो, यहाँ पे मंदिर में मैं गुजर रहा था तो बुद्धा का यहाँ पे स्टैचू है बीच में. ये ऊपर ये जो श्राइन है, इनमें जाने का रास्ता इन सीढ़ियों से.
भाई नहीं घूम सकते यार एक दिन में, इतना बड़ा यार देख ही नहीं सकते पूरा तो ठीक से। ये देखो भाई कुछ स्कल्पचर्स अपने डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये इधर शायद हिंदू भगवानों के होते होंगे जो तोड़ रखे हैं। आई वॉन्ट टू सी द मोट्स, the water, the water bodies, the moat surrounding the temple. It's not a moat, it's like where you'd go to wash yourself before coming in. Where's that? I want to see that. Yeah, sure. And then maybe we can head out as well. Yeah, there's not much there. Okay. I mean, because it's just massive if you start focusing on everything and start seeing everything in detail. There's 70 temples here. There's 70, right? Yeah, more. More, I think close to 100. Like. Yeah. Few of them are like the more popular ones. कितना मतलब साफ सुथरा और कितना अपीलिंग है आंखों को ना, मतलब यार सही में इतना बड़ा मंदिर मैंने क्या किसी ने नहीं देखा होगा दुनिया में। What? Under this is the original steps. These aren't the original steps? No. Oh, right there. ये stone. The stones. ऊपर तो है भाई लकड़ी के स्टेप्स है, नीचे पत्थर जो थे ना ये असली जो स्टेप्स थे मंदिर में जाने के। War between Lord Krishna and Asurvana. Do you know the story? Not really. ये भाई ये जो लड़ाई हुई थी Lord Krishna और Asurvana के बीच में जो भी थे उनके वो वॉर को डिपिक्ट करा गया, दिखाया गया, दर्शाया गया इस दीवार पे। भाई इतना बड़ा है कन्फ्यूज हो जाओगे, घूम सकते ही नहीं, मतलब हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल देने लग गए तो वही बात है एक दिन में नहीं होएगा। अब बारिश रुक गई भाई, थोड़ा सा लेट आ जाते हम या थोड़ा पहले आ जाते तो भीगना ना पड़ता। भाई यहाँ पे ना कुछ और टेंपल्स है जिसकी सभी तारीफ करते हैं पर वो टेंपल्स अपन देख नहीं पाएंगे क्योंकि रात की अपनी बस है और बारिश का कुछ नहीं पता यार, कहीं और जाएंगे दोबारा भीग के फिर और लेट हो जाएंगे। पर फिर भी आपकी अवेयरनेस के लिए स्क्रीन पर मैं थोड़ी सी वीडियोस चला दूंगा बाकी टेंपल्स की, जो मेन 8-10 टेंपल यहाँ पे है एक्सप्लोर, काफ़ी सुंदर सुंदर है सारे टेंपल्स, बहुत शानदार है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। ये देखो भाई जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, चारों तरफ ये पानी के रेजरवॉयर या ये खाई बना रखी है और आप देखोगे एकदम ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन में है। और जैसे मैंने पहले भी कहा बोटैनिकली बहुत डोमिनेंट है ये पगोडाज या टेंपल्स, हर जगह पेड़ है पौधे और देखो चारों तरफ पेड़ सराउंड कर रहे हैं। और बहुत सारे पगोडाज या टेंपल्स में ऐसे है कि भी अंदर भी स्कल्पचर्स के ऊपर भी पेड़ उगे हुए, पर ये जो आप वाटर रिजर्वॉयर देख रहे हो या फिर जो खाई देख रहे हो पानी की एकदम देखो आप कितना मतलब ज्योमेट्रिकली परफेक्ट है। ये बहुत ही ना क्लेवरली कंस्ट्रक्ट कराए गए थे ताकि ये इरीगेशन में एड कर सके और लोगों को फीड किया जा सके पूरी सिटी में एंकोर वाट में। तो सारी चीज़ें ना बहुत दिमाग से बनाई गई है इस मंदिर में, हर जगह मतलब जैसे मैंने बताया पेड़ पौधे दिखेंगे, पानी के रिजर्वॉयर्स ताकि लोगों को खेती करने में इरिगेशन में पूरी मदद मिले। तो भाई ये था मेरा सफ़र मंदिर का और इसी तरह के आसपास खूब सारे और टेंपल्स हैं। भूख बहुत लगी है पर पूछते हैं मेरे ड्राइवर से आसपास किसी और मंदिर में भी अगर अपन जा सकते हैं, टाइम लगता है तो जा सकते हैं तो ठीक है, आप वीडियो आगे देख लोगे। अगर नहीं जा पाए तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जाके मैं मेरे कपड़े सुखाऊंगा ड्रायर में, रात की मेरी बस है, सोच रहा था मैं जिम भी चला जाऊं और अगली वीडियो भी अपन को स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको सीएम रीप का मेरा सफ़र अच्छा लगा होगा, अंकोर वाट का, कंबोडिया का अभी तक का। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय।